उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यूपी सरकार ने नवंबर तक सभी को पहली डोज लगाने का टारगेट रखा, जिसे लेकर प्रदेश में हर दिन 25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जीका वायरस के लिए भी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को हराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर काम किया, और ऐसे में अब आगे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन बृहद स्तर पर हो रहा है और रिकॉर्ड भी है। बड़ी जनसंख्या के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारियां कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल समीक्षा की और उसके बाद से अब तैयारियां बड़े स्तर पर आगे की जा रही हैं। किन किन चीज़ों पर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? वैक्सीनेशन को सर्वाधिक करने के लिए फर्स्ट डोज का, जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री के साथ पिछले हफ्ते बैठक भी हुई थी दिल्ली में, उसकी कार्ययोजना बना के और सर्वाधिक फर्स्ट डोज को कम से कम 100% लगाने के लिए कल मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई थी। और जो हम लोग ने इसके गाइडलाइन बनाए हैं, जिसमें क्लस्टर योजना के दूसरा चरण को ध्यान में रखते हुए उसमें दो चीज़ किए हैं कि गांव के अंदर जिन गांव में जाके हमारे लोग उसमें जो टीका लगाते थे, अब गांव के कई टोले भी होते हैं तो उन टोलों पर भी जाएंगे। कुछ समय एक मेन गांव पर देंगे, उसके बाद वही टीम हमारी दूसरे टोले पर भी जाएंगे, और सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल हो गया या CSP पर, जहाँ हमारे टीकाकरण का लगातार चलता अभियान, उन जगहों पर 8 बजे सुबह से लेकर रात में 10 बजे तक 2 शिफ्ट में इसको भी हम लोग कर दिया। रजिस्ट्रेशन सेकेंड के लिए करना नहीं है, सीधा वॉक इन करके आप अपना करिए। और लाइन लिस्टिंग, क्योंकि हमारे पास हर एक व्यक्ति का कोविन पोर्टल पर सबको डिटेल है ही, तो उनको फ़ोन करके सेकेंड डोज के लिए एकदम प्रेरित करके उनको सेकेंड डोज लगवाना, ताकि सेकेंड डोज की भी संख्या बढ़ जाए और फर्स्ट डोज में जितने छूटे हुए जो हमारे पास है संख्या, उसका भी गाँव से लेकर शहरों तक इन योजना का अंतर्गत हम उनको और भी ज़्यादा जल्दी से जल्दी लगवाएंगे। सर, आम जनमानस में एक ये सवाल है कि जीका वायरस जो है वो क्या कोरोना की तरह ही स्प्रेड होता है, क्या उसका कल्चर है पूरा, किस तरीके से ये आगे स्प्रेड होता है? सर, नहीं, ये स्प्रेड नहीं होता है, ये एडीज मच्छर के माध्यम से ही होता है। ये जैसे कोरोना होता है कि एक व्यक्ति से वो ड्रॉपलेट की वजह से या खांसी की वजह से होता है, वो इस तरह का बिल्कुल नहीं है। मच्छर काटने से होता है, उसका थोड़ा सा इफेक्ट दूसरा है और उसी तरह इसका उपचार हो रहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अभी कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में टेस्टिंग करा रहे हैं ताकि ये वायरस चिन्हित हो जाए, जो भी इससे पीड़ित व्यक्ति है वो उपचार तत्काल उसका शुरू हो जाए, ताकि उसमें कोई मृत्यु ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयारी करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह की कोरोना की स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में थी, उसको अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर किया गया है, वहीं पर वैक्सीनेशन को भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, वहीं पर जीका वायरस को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।